क्या किरदार होना सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले क्या किरदार होने वाला और पहले का सीजन क्या आपने देखा था और क्या कहना चाहेंगे क्या प्रिपरेशन की थी अपने किरदार को? जी पहले का सीज़न बहुत अच्छी तरह काम भी किया था और देखा भी था और दूसरे सीज़न में मैं ये कहना चाहूँगा कि किरदार पहले से बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया है, बहुत बढ़ गया है। पिछले सीज़न में जो चीज़ें अच्छी लगी थी उन चीज़ों को कई गुना बढ़ा दिया गया है। जैसे कि लोगों को मेरी और देव की जो नोकझोंक थी, जिस तरीके से हम लोग आमने सामने आते थे और डायलॉगबाजी होती थी, वो एक फीडबैक आया था कि वो बहुत पसंद आया है, तो इस सीज़न में वो कई गुना ज़्यादा देखने मिलेगा। इस सीज़न की खास बात है कि जो डायलॉग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। इस सीज़न में कुछ ऐसी लाइंस हैं जो ज़रूर लोगों को याद रहेंगी। पता है नार्वेकर और मुझे कहा था कि तुम एकदम बराबर कर रहे हो, जैसे होना चाहिए वैसे लगते हो। तो इस बार मुझे क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर दिखाया गया है, तो अलॉट मोर इन सिविल कपड़ों में दिखूँगा मैं। और कुछ बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे कहा है कि जो तुम्हारे जेस्चर्स हैं, जिस तरीके से तुम इस किरदार को निभाते हो वो बहुत अच्छा करते हो, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और मैं कलर्स चैनल एंड पेनिनसुला पिक्चर्स का शुक्रगुजार हूँ कि एक ही साल के अंदर, हमने पिछले अगस्त में शो का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अभी बस जून है, एक ही साल के अंदर मुझे दूसरा मौका मिला है आप सबके सामने आने का। कुछ अंश पकड़ूँ छोटा सा, तो जैसे जंजीर फिल्म में था मिस्टर बच्चन का किरदार, कि एक सीरियस पुलिस ऑफिसर है और एक एकदम अनएक्सपेक्टेड रोमांटिक एंगल, जहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं उस तरीके से रोमांटिक एंगल शुरू होगा। सो व्हाटएवर सीन्स आई हैव शॉट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द होल थिंग। ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता है और कितनी मस्ती करते हैं आप लोग, क्योंकि हमने देखा कि आप डायलॉग्स तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बोल लेते हैं और मतलब बहुत ही प्रोफेशनल है, लेकिन ऑन सेट कितनी मतलब शैतानियाँ या फिर ऐसा कुछ किस्सा अगर शेयर करना चाहें? जी ऑन सेट बहुत ही यंग यूनिट है बेसिकली और बहुत ही यूथफुल है और मस्ती बहुत होती है, मतलब इन सेट जितना, जैसे प्रैंक्स, जिज्ञासा नहीं आई है तो हम जिज्ञासा को काफ़ी बुली करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं एंड आपस में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वी हैव आर, हम लोग की आपस में चाय पार्टनरशिप भी है और जैसे हम आपस में आँख मार के कभी कभी कुछ प्रैंक चालू कर देते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले था कि हमने रैंडमली एक चीज़ कही कि देव का 35th एपिसोड से लेके 40th एपिसोड सिंगापुर में शूट होने वाला है। के किरदार अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो एवरीबडी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जो ऑफ स्क्रीन भी है, जो ऑन स्क्रीन भी दिखती है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मेरा एक्सपीरियंस देव का बहुत ही मेमोरेबल रहा है, जो सीज़न वन रहा है, और इनफैक्ट सीज़न टू जो है और ख़ास और मेमोरेबल बनने वाला है। स्पेशली जो मेरा कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है शो में, रहा भी है और अभी भी इस बार भी है। इंटेंस तो सारे कैरेक्टर्स हैं पर जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है खुद में वो मेरा कैरेक्टर है, क्योंकि मैं खुद एक मिस्ट्री हूँ। जितने केसेस देव सॉल्व करता है, जितने भी मिस्ट्रीज वो सॉल्व करता है, सिर्फ एक ही मिस्ट्री वो आज तक सॉल्व नहीं कर पाया, वो है महक, जो कि मैं प्ले कर रही हूँ। और मेरी मतलब जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस मिस्टीरियस तो है ही, पर उसके साथ साथ एक जो चीज़ है उसका प्यार जो देव के लिए, और देव भी इक्वली उससे उतना ही प्यार करता है, बट वो जो लव स्टोरी है इतनी ज़्यादा इंटेंस है कि उसे प्ले करते करते कभी कभी हम खुद भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी लव स्टोरीज देखने नहीं मिलता है जनरली। आई मीन आई हैवंट सीन इट स्पेशली ऑन टीवी। केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी फर्स्ट में, और इस बार कैसे केमिस्ट्री होने वाली है और क्या कुछ नया होने वाला है, क्या प्रिपरेशन और ऑन लोकेशन किस तरह का माहौल रहता है जब इतनी बड़ी स्टार? एक्चुअली केमिस्ट्री तो ऐसे हो गई है कि हम फैमिली बन गए हैं, वी ऑल आर लाइक फैमिली फॉर ईच अदर, बिकॉज हम अपने घर से अपने परिवार से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं, सो ऑब्वियसली इट्स बिकम अ फैमिली फॉर अस, एंड इसलिए केमिस्ट्री तो ऑब्वियसली हमारी ऑलरेडी अच्छी खासी बनी हुई थी। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन भी हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, क्योंकि हमारे सीन्स इतने इंटेंस होते हैं कि हमें उस जोन में से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो अगर उस जोन में चले जाएँ तो हमें एक्चुअली हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सो इसलिए हम लोग माहौल बहुत लाइट रखते हैं सेट पे, बहुत मस्ती मजाक करते हैं, और जितना मस्ती मजाक हम सेट पे करते हैं उसके उतना ही ऑपोजिट हम ऑन स्क्रीन हैं, और मतलब जो माहौल रहता है सेट पे और जब शूटिंग होता है उतना ही ऑपोजिट माहौल होता है, बिकॉज ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है फॉर एन एक्टर, बिकॉज हर कोई एक इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। खुद के विरुद्ध तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप खुद लड़ रहे हो? एक्चुअली ये देव के कैरेक्टर के लिए है एक युद्ध खुद के विरुद्ध, क्योंकि उसका जो युद्ध है खुद के विरुद्ध वो ये है कि ही लव्स महक, ही वॉन्ट्स टू गेट बैक टू महक, बट ही इज़ नॉट एबल टू, ही इज़ फाइटिंग विथ हिमसेल्फ टू गेट बैक टू मी।
सो और वो क्यों, क्या, कैसे, ये सब देख जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा देव का सीजन 2 जो कि आ रहा है 25 जून से हर सोमवार से गुरुवार रात को 10:30 बजे ओनली ऑन कलर्स. थैंक यू. बिल्कुल, जब मैं थपकी करी थी मैंने सीजन 1 बिल्कुल फॉलो किया था बिकॉज ये शो बहुत अलग है. दिस नॉट अ डेली शो, दिस इज नॉट अ वेरी टिपिकल क्राइम बेस्ड शो ऑल्सो. दिस हैज सो मेनी एलिमेंट्स एंड जब मुझे देव 2 ऑफर हुआ आई लिटरली ग्रैब्ड इट. मुझे ये मौका मिला, ये अपॉर्चुनिटी मिली जो मैं कैरेक्टर कर चुकी हूँ एक एक पास्ट में, उससे बिल्कुल ये ऑपोजिट कैरेक्टर है मेरे लिए. ये एक वेरिएशन जो था मेरे लिए ज़मीन आसमान का, काफ़ी मेहनत की है बिकॉज आप जब एक कैरेक्टर करते हो कुछ 2-2.5 सालों के लिए आपके अंदर वो बस जाता है, बिल्कुल आप वैसे बन जाते हो, बहुत कुछ अडाप्ट कर लेते हो उस कैरेक्टर से. और मेरा मानना ये है कि एक एक्टर जब कोई किरदार निभाता है ऑन स्क्रीन तो उसकी पर्सनल लाइफ से भी बहुत ना, आई थिंक 60-70% वो किरदार लेकर जाता है. तो यस, आई जम्प्ड, बिल्कुल बहुत ही अच्छी जंप ली है मैंने इस कैरेक्टर को करके बिकॉज थपकी में जैसे मैंने डबल रोल भी किया था, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा यू नो बड़ी उम्र का रोल प्ले कर लिया था. सो आई वॉन्टेड टू डू दिस एंड जब सीज़न 1 मैं देख चुकी हूँ कि एक हिट हो चुका है, एक सीज़न 1 लेगेसी लेकर आया हुआ है ऑलरेडी, जब ये कैरेक्टर मिला, न्यू एंट्री है शो में और सब सीज़न 1 से चले आ रहे हैं, दिस इज़ द ओनली न्यू एंट्री एंड द शो इज़ डार्क. सो माय कैरेक्टर नेम इज़ ध्वनि करचीवाला एंड शी इज़ वाइब्रेंट, फुल ऑफ लाइफ, वेरी टैकी एंड पावर हाउस ऑफ एनर्जी. इतनी एक्चुअली मैं रियल लाइफ में मैं इतनी बबली और इतनी एनर्जेटिक नहीं हूँ जितनी की ध्वनि है. तो इनिशियली काफ़ी मेहनत की है इस कैरेक्टर में बट नाउ आई फील कि मैंने काफ़ी हद तक इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करने की कोशिश की है. सो यू नीड टू सी देव सीजन 2 विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जून मंडे टू थर्सडे 10:30 PM. इसके अलावा थपकी के किरदार को आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिला था. बिल्कुल, इसका फर्स्ट सीजन को बहुत ज़्यादा प्यार मिला था तो बिल्कुल उस चीज़ का प्रेशर रहेगा कि अच्छा ही करना है या फिर एक्चुअली प्रेशर की जगह मैं समझती हूँ ये एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैंने अगर थपकी किया तो मुझे इस यू नो प्रोड्यूसर्स ने भी, चैनल ने भी, सब ने एक रिस्क लिया है बिकॉज जो मैं कैरेक्टर करके आ रही हूँ ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है उससे एंड उन्होंने मुझे उस काबिल समझा कि मैं इस कैरेक्टर को निभा पाऊँगी. बिल्कुल बबली लड़की है जो कुछ भी बोलती है बट एट द सेम टाइम आई एम प्लेइंग कैरेक्टर निवडास ध्वनि करचीवाला विच इज़ शी इज़ अ साउथ मुंबई गर्ल. ओके, सो शी इज़ वेरी स्मार्ट एट द सेम टाइम एंड देव की काफ़ी बड़ी फ़ैन है. ब्लॉग्स लिखती थी उनके बारे में, क्रिमिनोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी है. तो देव के साथ जब फाइनल इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है तो कैसे देव के वो करीब जली जाती है, यू नीड टू सी दैट कि मैं कैसे उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखती हूँ, उनको केस सॉल्व करते हुए देखती हूँ. लास्ट ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था और मतलब एज अ न्यूबी इन द शो कैसे ट्रीट करते थे लोग, क्या प्रेप होता था? न्यूबी इन द शो. ओके, एक्चुअली क्या है ना कि आप जब एक डेली सोप करते हो, एक नॉर्मल टेलीविजन शो करते हो, एक सेट होता है प्रॉपर. इस शो की खासियत ही है इसमें कोई सेट नहीं है, इतना पेसी शो है. कभी हम एक समुद्र पर शूट करते हैं, कभी हम किसी आइलैंड पर शूट कर रहे हैं, कभी हम किसी चौल में शूट कर रहे हैं. दिस इज़ सो रियल एंड एट द सेम टाइम सबसे अमेजिंग बात यह है कि सिर्फ क्राइम बेस्ड शो नहीं है, हर कैरेक्टर की, देव की, महक की, नार्वेकर सर की, मेरी सबकी अपनी पास्ट स्टोरीज हैं जो कि और अमेजिंग, बहुत ही थ्रिलर है. या ओके, थैंक यू सो मच. ये देव एक ऐसा शो है जिसमें प्रेशर तो रहता ही है क्योंकि शोज़ जो इंडियन टेलीविजन में बनाए जाते हैं उनका एक फॉर्मेट सा है और TRP जैसे शोज़ को आती है वो मोस्टली फैमिली ड्रामाज होती हैं या ट्राइंगल्स या एक मतलब एक तीसरा या चौथा बंदा रिलेशनशिप में आ जाता है तो वैसे कहानियाँ बनती है. लेकिन ये एक क्राइम शो, ऑफकोर्स हमारे बहुत सक्सेसफुल क्राइम शो रहे हैं, CID, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया, ये सब वगैरह, लेकिन किसी में लीनियर स्टोरी नहीं थी. और इंटरनेशनली अगर आप शोज़ देखें, द ब्लैकलिस्ट, लूथर, एलिमेंट्री, शर्लॉक तक, उनमें एक लीनियर ट्रैक होता है जो कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ स्टोरी होती है जो लिखने के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अब्रॉड ऐसा किया जाता है कि पूरी बाकायदा सीरियल शूट की जाती है
और फिर ऑन एयर जाता है, बट हमारे यहाँ ऐसा है कि हम लोग कट टू कट करते हैं कि आज शूट कर रहे हैं और कल रिलीज़ हो रहा है। तो बाई वीकली में इट्सेल्फ बहुत डिफिकल्ट था। सीज़न वन में कहा गया था चैनल से कि ये एक ट्रायल करो, उन्होंने मुझसे कहा ये एक एक्सपेरिमेंट है। आई वॉज़ रेडी टू टेक इट अप क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग करूँ, इसलिए मैंने फिल्मों में कॉमेडी छोड़कर टीवी में ये सब किया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चीज़ करना था जिससे मैं कहीं ना कहीं अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ इंडियन टेलीविजन के कॉन्टेंट को चेंज करने में, तो क्यों नहीं। और देखते देखते ये बाई वीकली एक डेली बन गया। तो अभी सेकेंड सीजन भी एक चैलेंज है, ऐसा चैनल कहता है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट। लेकिन आई रिस्पेक्ट दिस चैनल जो ये शो को होस्ट कर रहा है, क्योंकि उन लोग चाहते हैं कि कंटेंट चेंज हो इंडियन टेलीविजन पर। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि नॉट टू वरी अबाउट TRPs, जो बहुत कम लोगों को कहा जाता है कि TRP डज नॉट प्ले द, मतलब वो मायने नहीं रखता। वी हैव टू मेक अ शो विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल इंडियन टेलीविजन, और वही हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके किरदार को शर्लॉक से भी कंपेयर किया जा रहा है, तो इस कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लेते हैं? और इंसिडेंटली मैं सारे डिटेक्टिव शोज देखा करता हूँ वर्ल्ड वाइड, रीजनल में भी, जो लैंग्वेजेस में होते हैं, स्पेनिश एंड मैक्सिकन एंड एवरीथिंग। तो मुझे हमेशा ऐसे ये जॉनर पसंद आया है, एंड आज गॉड्स ग्रेस और थैंक्स टू द चैनल कलर्स TV और जिन्होंने भी मुझे, BR शरण, शरण साहब इस कंसीव किया, उन्होंने ये शो को, दे थॉट आई कुड प्ले इट। आज वो मुझ पर काफ़ी इन्वेस्ट करके इसको एक ब्रांड बना रहे हैं देव को। आई कुड नॉट बी मोर हैप्पियर। और जो भी मैंने छोड़ा है एक्सक्लूसिवली, जो मैं टाई अप हुआ इस ब्रांड के साथ, इज ओनली बिकॉज आई बिलीव इन इट, और मैं इसमें एफर्ट्स डालते रहूँगा, एंड आई विल स्टे अनटिल वी क्रिएट समथिंग आउट ऑफ दिस, और जब तक मुझे बैकिंग मिलती रहे। आपकी और पूजा की केमिस्ट्री के बारे में बहुत बातें हो रही है, तो इस साल किस तरह की केमिस्ट्री थी, क्योंकि पहले सीजन में बहुत अच्छा बॉन्डिंग देखने मिला था, तो इस सीजन में क्या अलग होने वाला है? और आई डोंट नो, ये मैंने हमेशा फिल्मों से भी, मैंने एक फिल्म की थी फाइट क्लब, जिसमें मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाए थे, सुहेल, रितेश, जायदीनो वगैरह सब लोग थे उसमें, सुनील शेट्टी, ऑल लाइक फैमिली टू मी, दे आर माय क्लोजेस्ट पीपल। तब से मैंने एक्चुअली हमेशा मेरे लिए लक ऐसे रहा है कि आई मेट द नाइसेस्ट पीपल इन प्रोजेक्ट्स, सब मेरे दोस्त बने, एंड यू नो बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव कि आपको गेट अलॉन्ग करना पड़ता है अपने को स्टार्स के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट लाने के लिए। लेकिन आज तक ऐसे नहीं हुआ है कि मैंने ज़बरदस्ती गेट अलॉन्ग करने की कोशिश की और वो इंसान या बंदा अच्छा नहीं निकला हो। आई बीन वेरी लकी विद को स्टार्स, एंड दैट्स वाई पूजा, इवन जिज्ञासा जो अभी हमारे साथ ये सीज़न में आई है, दे आर ऑल जस्ट वंडरफुल पीपल। और हम लोग केमिस्ट्री बहुत बनाए रखते हैं, बिकॉज आई लव मेकिंग फ्रेंड्स एंड आई लव प्लेइंग प्रैंक्स, मस्ती करते हैं हम लोग सेट पर, सो वी ऑल बिकम वेरी क्लोज। एंड ऑफकोर्स पूजा इज़ समबडी, ये सेकेंड सीज़न, और जैसे जब आप काम करते हो साथ में तो एक रिलेशनशिप सी बन जाती है, विच वी हैव वेरी वेरी नाइसली मेड विद ईच अदर, सो आई एम वेरी हैप्पी। और केमिस्ट्री इसलिए आता है बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट फैक्टर, जब मैं उसे एक रोमांस सीन में अगर छूता हूँ या वो मुझे छूती है, देर इज़ नो अनकम्फर्टेबल फीलिंग, एंड सीन्स ही ऐसे है, बट वी थैंक द राइटर्स फॉर दैट। ये बहुत ही इंटेंसली लिखी हुई लव स्टोरी है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी मैंने ना तो हिंदी या इंग्लिश शोज़ में या मूवीज़ में देखे। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंटेंस लव स्टोरी, और इसलिए आई गेस वो रिएक्शंस मिल रहे हैं। बट ये सीजन में देखिएगा, महक और देव में देयर इज मैडनेस, ये हीरो भी होते हुए रोता है, इज इन पेन, मार खाता है, इट्स नॉट नॉर्मल, बट इट इज़ लव। सारे फैंस को बस इतना ही कहूँगा कि आई एम वेरी लकी टू हैव यू, आई एम वेरी लकी कि आपने शो को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट सीजन जैसा नहीं है सेकंड सीजन, क्योंकि ये डेली भी है, एक हाफ एन आवर फॉर्मेट है, लेकिन इसमें बहुत से चीज़ें ऐसे डाले गए और रिएक्शंस ऐसे हमें यूनानिमसली मिला है फ्रॉम द मेकर्स एंड रिसर्च पीपल कि ये फर्स्ट सीजन से बेहतर है, बेटर आई मीन। आई वुड वॉन्ट कि आप लोग भी ये जज करें, लेकिन उसके लिए देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप हमारे पास थर्ड सीज़न का भी स्क्रिप्ट समवॉट धुंधला आ चुका है, बट ये सिर्फ आप डिसाइड करेंगे कि वो बनेगा कि नहीं। तो प्लीज़ डू वॉच मंडे टू थर्सडे 25th जून ऑनवर्ड्स ऑन कलर्स TV देव 2। यू नो मैं आई थिंक स्लॉटिंग ऐसे हो जाती है जब आप काम करते हो कि लोग कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। मैंने फिल्मों के पहले मैं TV ही किया करता था, मेरी फर्स्ट पिक्चर कयामत रही थी, लेकिन उसके पहले मैंने सोनी TV के लिए एक हम परदेसी हो गए सीरियल किया था परिजा जोराबिन के साथ, बहुत सक्सेस हुई थी वो, तब जाकर मुझे कयामत मिला था एज माई फर्स्ट फिल्म। उसमें टेलीविजन में मैंने ग्रे कैरेक्टर प्ले किया था, इनफैक्ट अभी आई रिमेंबर जो हाउस होल्ड्स की बीवियाँ, मम्मियाँ, भाभियाँ, उन लोग को ये कैरेक्टर पसंद नहीं था, डरते थे लिफ्ट में, बोलते थे अरे ही वॉज नेगेटिव। फिर कयामत आई, उसमें मैंने कॉमेडी प्ले किया, फिर मैं स्लॉट हो गया, लोग भूल गए मैंने वो प्ले किया था। फिर मैंने फिल्में इसलिए छोड़ी क्योंकि कॉमेडी के अलावा और कुछ मिला नहीं करता था, एंड ऑफकोर्स टेलीविजन ने मुझे वो ऑफर किया जो फिल्मों ने नहीं किया टू बी ऑनेस्ट,
और अब जाकर वापस स्लॉटिंग से मैं निकल गया हूँ, विच इज़ वेरी फॉर्चुनेट फॉर मी. बट आई थिंक अब इतना टाइम आई हैव स्पेंट इन दिस करियर के थैंक्स टू देव.